नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। जायंट्स ग्रुप ऑफ चैमासा द्वारा आयोजित और सत्यम बिल्डर्स द्वारा प्रायोजित 6वीं सामान्य ज्ञान चित्रांकन एवं साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता रविवार को पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सम्पन्न हुई। प्रतियोगिता में 1700 प्रतिभागियों ने विभिन्न विषयों में भाग लिया। रूम नंबर 3 एंड 4 के पेरेंट्स आगे आ जाएंगे। अभी आप रुक जाइए, हम बस बोलेंगे। रूम नंबर 3 एंड 12 आगे रहे, बुलाएंगे। सिर्फ आपने कार्ड हाथ में ले लीजिए। रूम नंबर 3 और 12 आगे रहेंगे। रूम नंबर 3 क्या है? रूम नंबर 3। किरीपुरु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर हीरालाल रवि की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा की बैठक हुई। बैठक में दर्ज मामले और उपलब्धि की समीक्षा की गई। अनुमंडल कार्यालय में हुई बैठक में किरीपुरु, गुआ, नौमुंडी, बड़ा जामदा ओपी प्रभारी के अलावे किरीपुरु और नौमुंडी के पुलिस निरीक्षक मौजूद थे। बैठक की समीक्षा करते हुए किरीपुरु SDPO ने कहा कि किरीपुरु पुलिस अनुमंडल के अंतर्गत 3 थाना 1 OP है, जिसके तहत आने वाले सभी मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि बीते माह 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जो आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीम छापेमारी के लिए गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि SP के दिशा निर्देश पर प्रत्येक माह में 2 बार मॉब लिंचिंग पर बैठक की जाती है, जिसमें लोगों से कानून को हाथ में नहीं लेने की अपील की जाती है। डॉक्टर रवि ने कहा कि सावन की अंतिम सोमवारी, रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया, जिसके लिए अतिरिक्त बल की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। डिवीजन के अंतर्गत 4 थाना आते हैं, सभी थाना प्रभारी और हमारे दोस्त सरकी इंस्पेक्टर, ये सभी आज उपस्थित थे। पिछले माह जो भी अपराध घटे हैं उसकी समीक्षा की जा रही थी, और जो भी पेंडिंग केसेस हैं उसकी कार्यवाही कैसे हम लोग जल्दी जल्दी पूरी करें, ताकि जो है काम का निष्पादन संभव हो सके, उन सभी बिंदुओं पर जो है आज समीक्षा हुई। पिछले महीने में जो है 9 लोगों की गिरफ्तारी अलग अलग थानों से विभिन्न खंडों में हुई। कुल कितने थाने हैं? कुल 4 थाने हैं, 1 OP 3 थाना, ठीक है, ये है। तो ये हम लोगों जो केस का रिव्यू हो गया। दूसरा में है कि जो फिरारी और अस्थायी वारंटी हैं, जो कई साल से फिरार हैं अलग अलग खंडों में, कई गिरफ्तारियां हुई हैं पहले भी, और पिछले माह में भी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, लेकिन जो शेष फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीम बनाई गई है, और प्रत्येक जो अधिकारी हैं उनको दायित्व सौंपा गया है, और लगातार जो है उनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। ये पुलिस हमारी बहुत मुस्तैद है, वो अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति भी इस मद्देनजर की गई है। सहित सप्ताह के दौरान वरीय पदाधिकारियों के दिशा निर्देशन में हमारी टीम लगातार काम करते रही, और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वो बीत गया है। आने वाले जो सोमवारी है, जहां जहां पर भीड़ होने की संभावना रहती है, अतिरिक्त जो हमारा बल है, महिला पुरुष जो कॉन्स्टेबल है उनकी प्रतिनियुक्ति होती है, और हमारे जो अधिकारी हैं वो भी रहते हैं, वरीय स्तर से भी उसका मॉनिटरिंग होता है, और वो संभव है कि किसी भी तरह की कोई विधि व्यवस्था जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मैजिक इंडिया क्लब की ओर से सामुदायिक केंद्र मेगा हाथो पुरु केंद्र के प्रांगण में अचीवर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मैजिक इंडिया क्लब के 15 अचीवरों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में उपस्थित क्लब के सदस्यों को पदाधिकारियों ने क्लब के मुख्य कार्यों को करने के तरीके और इस क्लब में शामिल होकर मुनाफा कमाने का टिप्स दिया।
साथ ही टूर एवं ट्रैवल के माध्यम से होने वाले लाभ की जानकारियां दी। इस क्लब के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को भी देश विदेशों में सरलता और कम खर्च में सफर कर लाभ उठाने के बारे में भी जानकारी दी। आज हम लोग MIC अचीवर शो आज मेघातगुरु में पालन कर रहे हैं और MIC के बारे में अगर बताएं तो ये एक प्योर टूर एंड ट्रैवलिंग क्लब है जो कि एक आम आदमी का सपना को पूरा करने के लिए अग्रसर है और बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। हर इंसान, हम लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि कोई अच्छा सा जगह में रहें या अच्छा जगह डेस्टिनेशन घूमने जाएं, लेकिन हम लोग का जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से हम लोग जा नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हमारे पास एक ऐसा सुनहरा मौका है अमेजिंग इंडिया क्लब परिवार की तरफ से। अगर आप चाहें तो आप अमेजिंग इंडिया क्लब परिवार के बारे में जानना तो हम लोग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं इतना बताता हूँ आपको कि एक बार जाने के बाद आपके साथ साथ आपके परिवार में जो लोग हैं और आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं उनके घरों में खुशी आप ला सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। भारतीय जनता युवा मोर्चा चैमासा की ओर से पोस्ट ऑफिस चौक में स्टॉल लगाकर सदस्यता अभियान चलाया गया। पोस्ट ऑफिस चौक पर चलाए गए सदस्यता अभियान में भाजपा जिला अध्यक्ष मनीष राम सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। सदस्यता अभियान के दौरान काफी संख्या में लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाया गया। सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी नए सदस्यों को माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया गया। झामुमो का जिला सम्मेलन युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंकू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में झारखंड में युवाओं की स्थिति और राज्य के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में युवाओं की भूमिका पर चर्चा की गई। जिला परिषद सभागार में सम्मेलन का शुभारंभ बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया। बैठक में विभिन्न मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। सम्मेलन के मुख्य अतिथि जिला सचिव सुनाराम देवगम ने कहा कि युवाओं का भविष्य असुरक्षित है, राज्य में रोजगार के अवसर कम हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ रहा है, युवा पलायन को मजबूर है। बुद्धिजीवी मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुभाष मिश्रा ने कहा कि युवा शक्ति महाशक्ति है, युवाओं को जगाना है। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मोनिका बोईपाई ने कहा कि युवा शक्ति, महिला शक्ति किसान और मजदूरों को संगठित कर राज्य में झारखंडी मूल का सरकार बनाया जाएगा। अभिषेक सिंकू ने 5 अगस्त को राज्यव्यापी युवा आक्रोश मार्च में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। भारतीय डाक विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित देश के नाम खत प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली दीपशिखा गुप्ता को रोनियार वैश्व संघ द्वारा सम्मानित किया गया। नीमडी निवासी काली प्रसाद गुप्ता की पुत्री दीपशिखा ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर जिला और राज्य का नाम रोशन किया है। संघ के अध्यक्ष काशीनाथ शाह, सचिव राजकिशोर साहू ने दीपशिखा को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि दीपशिखा की उपलब्धि से हम सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।